में चुंगी नंबर दो पे, जहाँ पे एक छोटे से बच्चे की डेड बॉडी मिली है। इसको बड़ा बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया और यहाँ पर छोड़ दिया। दक्षिण दिल्ली के लालको इलाके में मासूम स्कूली छात्र की डेड बॉडी मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लालकुआ का ये वो इलाका है जहां पर मासूम स्कूली छात्र की डेड बॉडी मिली। आप देख सकते हैं घटनास्थल पर खून के धब्बे। घटना से नाराज भीड़ ने थाने का घेराव कर जमकर पथराव किया। क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। चारों तरफ रोड जाम हो गए। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, आंसू गैस के गोले भी दागे, भीड़ पर लाठी चार्ज भी किया। दूसरी क्लास में पढ़ने वाला मासूम छात्र हर रोज की तरह स्कूल तो गया लेकिन घर वापस नहीं लौटा। अगले दिन स्कूली छात्र की खून से लथपथ डेड बॉडी मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस इसे फरीदाबाद दिल्ली का क्या मामला बताकर टालने की कोशिश करने लगी। इस बात को लेकर स्थानीय जनता में भारी रोष पैदा हो गया और कातिल को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने लगे। क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। चारों तरफ रोड जाम हो गए। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, आंसू गैस के गोले भी दागे, भीड़ पर लाठी चार्ज भी किया। क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। चारों तरफ रोड जाम हो गए। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, आंसू गैस के गोले भी दागे, भीड़ पर लाठी चार्ज भी किया। क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। चारों तरफ रोड जाम हो गए। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, आंसू गैस के गोले भी दागे, भीड़ पर लाठी चार्ज भी किया। मौके पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थानीय जनता को आश्वासन दिया कि कातिल को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, तब जाकर मामला शांत हुआ। कैमरामैन सुनील के साथ।